तो आज की वीडियो में राजा की रानी को बनना पड़ा नौकरानी, तो देखिए कैसे सारे काम करने पड़ते हैं। जी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है निकांती फैमिली ब्लॉग्स में। तो मैं आ गई हूँ नहा धो के किचन में। बच्चे चले गए हैं स्कूल, तो आज बुधवार था तो फिर मैंने सिर धोया था। काफी दिन हो गए थे सिर धोए, और आज मैंने अपनी चूड़ी भी चेंज कर लिया। ये देखिए आप, पिंक कलर की चूड़ी डाली है और लिपस्टिक लगाई है, डार्क है ये, और डार्क की बिंदी लगाई है, सिंदूर लगा लिया है। मैं हो गई हूँ रेडी काम करने के लिए। और तो कहाँ जाना है, काम ही करना है घर का। अभी बनाऊंगी खाना, रोटी बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी, और आज मैं जल्दी ही नहा ली। सुबह ही बच्चों के स्कूल जाते ही नहा ली थी। तो फिर ना सारा दिन ऐसे सुस्ती सी रह जाती है, फिर मन नहीं करता नहाने का। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी ही नहा लेती हूँ, और सिर भी धोना था तो सिर तो फिर जल्दी ही धोना पड़ेगा। जो कपड़े हो रखे थे बच्चों के और मेरे और इनके पापा के, वो मैंने डाल दिया है मशीन में, तो जल्दी जल्दी काम फिनिश हो जाएगा। मशीन भी लगा दी है, 1 घंटे में वो धुल जाएंगे। और तब तक मैं बना लेती हूँ खाना, बस आटा भिगोऊंगी और सब्जी बनाऊंगी, और तब तक वो आ जाएंगे। खेत में गए हुए हैं दोनों, बाप बेटा। फिर उनके आने के बाद खाना बनाऊंगी। और क्या, बस आज के दिन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है, और बने रहना आप मेरी वीडियो में, ठीक है? तो आज मैंने ये सूट डाला है पिंक कलर का, ये इसके नीचे ना सलवार है, ऐसे है, लाइट पिंक कलर का है ये। तो इस पे ना इनर लगा हुआ है, तो सर्दियों में इनर के तो डाले जाते हैं सूट, तो इस वजह से। तो ये देखिए, बताना भाई कमेंट करके आप सबको कि मेरा सूट कैसा लगा, ठीक है? तो चलो मैं तब तक काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। और भाई मैं अब आ चुकी हूँ यहाँ धूप में, जो हमारा घेर है ना वहाँ पे बैठी हूँ। सिर धोया था ना तो वो सुखाऊंगी। तो मैं आटा भिगोए आई हूँ और सब्जी की तैयारी कर आई हूँ, फिर जाके मैं उसमें तड़का लगा दूंगी। तब तक मैं बाल सुखा लेती हूँ अपना बैठ के आराम से। और हाँ, आप लोगों से एक और बात शेयर करनी थी मेरे को, कि कई लोग क्या कहते हैं कि भाई कि ना वीडियो का नाश कर देती हैं, कभी हरियाणवी में बात करती है और कभी उसमें बोलती है हिंदी में बोलती है। तो भी मेरी लैंग्वेज है तो मैं कैसे भी करूँ, तो आप सबको दुख क्यों होता है ये बताओ आप, है ना? चाहे मैं हरियाणवी में बोलूँ चाहे मैं हिंदी में बोलूँ, ठीक है? तो ये मेरी वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है, पसंद आती है, तो आप देखो, तो नेगेटिव मत कमेंट मत करो ना। तो अब जैसी बोली बोली जाएगी वैसी ही बोलूँगी मैं तो, है ना? अब मैं अपने आप को चेंज थोड़ा ना कर सकती हूँ। तो यहाँ पे बस यही बोलना है आपको कि नेगेटिव कमेंट मत किया करो, वीडियो अगर पसंद आती है तो देखा करो, ठीक है? कुछ नहीं होता भाई ऐसे ही, ये सब कमेंट करने से। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो देखो, नहीं आती है तो मत देखो, बस। और क्या, अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे घेर में, और कपड़े रखे हुए थे धुल गए थे, तो धूप अच्छी आई हुई थी, तो मैं अब इनको सुखा दूंगी, धूप में डाल दूंगी कपड़ों को, सारे कपड़े सुखा दूंगी, मशीन में धुल जाते हैं। एक बात है, वो फुली ऑटोमेटिक मशीन है ना मेरे पास, तो सर्दियों में बहुत ही यूज़फुल है वो, अच्छी रहती है, और पानी वगैरह सब अपने आप लेती है वो, तो सारे कपड़े अच्छे से धुल जाते हैं। तो मेरे को तो बहुत बेनिफिट हो रहा है इस मशीन का, बहुत ही ज़्यादा, फुली ऑटोमेटिक मशीन तो काफ़ी अच्छी है, कपड़े भी साफ़ धुल जाते हैं, मज़ा आ जाता है सर्दियों में तो, कि भी पानी में हाथ नहीं धोने पड़ते और ना ही ठंड लगती है और ना ही कोई दिक्कत होती है। तो इस वजह से तो अब मेरे धुल गए हैं यहाँ पे कपड़े, अब मैं इनको सुखा दूँगी। बच्चे गए हुए हैं स्कूल, फिर उनको लेके आना है और बनाऊँगी खाना फिर, क्योंकि इसके पापा और दादाजी बाहर गए हुए हैं, तो उनके आने के बाद तब तक मैं अपने कपड़े सुखा देती हूँ। और सिर मैंने भी सुखा लिया था, कंघी कर ली थी, तो सारा दिन बस यही काम चलते रहते हैं ऐसे ही, कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो अब ये कपड़े सूखेंगे, फिर इनकी तह लगानी है, तो ऐसे ही चलता रहता है बस।
और बताना आप सब कैसे हो, और जो भी भाई नया आया हो ना चैनल पे कमेंट करना, ठीक है? वीडियो कैसी लगती है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना भाई, जो भी नया देखता है, ठीक है? वीडियो आगे भी आपके पास अच्छी आने वाली है, आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, तो आप मेरे साथ बने रहना मेरी वीडियो में मेरे चैनल पे, ठीक है? तो अब यहाँ पे सुखा लेती हूँ मैं कपड़े, और बाद में करना है मेरे को खाना बनाने का काम। और आप बताना भाई कमेंट करके कुछ नई ताज़ा कि क्या देखना पसंद करो। और आज मैं आपको अपनी किचन दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम क्लीन चट कर दी है, पूरी सफाई कर दिया है, खाना वाना बना के बिल्कुल ही एक सारा सामान सेट कर दिया है। ये कुछ सामान रखा हुआ था स्लेब पे, तो ऐसी है मेरी रसोई। तो यहाँ पे ये रैक लगा हुआ है बर्तन वगैरह रखने के लिए, तो सफाई का सारे बर्तन धो दिए हैं एकदम से, अच्छे से रख दिए हैं। भाई क्या करें, सफाई तो करनी पड़ेगी, सारा जब खाना बनाते हैं ना सामान इधर उधर खिंच जाता है सारा, तो इसलिए। तो ये देखिए तो ये देखो भाई करण और अनिका को ये झूले पे झूल रहे हैं, पहले तो कभी झूलते नहीं थे, और अब देख लो इनको कैसे मस्ती काट रहे हैं, और इतना तेज चला चला रहे हैं ना, ये पड़ेगी भी दड़ाम से। हाँ, और ए आराम से गिर जाएगी ये, चोट लग जाएगी, देख लो भाई इनकी। अरे हम नीचे जाना है, कति नहीं जाना देरी, अगर नहीं जाना नहीं है, चला के रखो ऐसे ही। क्या है ये, चलना अब नीचे आ जा, क्या है बे, चल गिर जाएगी, चोट लग जाएगी, चल आ जा नीचे जाऊं मैं, चलो चलो चलो, देख यार गिरेगी गिरेगी, आराम से चलो चलो अब। हाँ भागो, आराम से भागो, चलो चल 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 चलो, मस्ती होगी बहुत। किंगी ना चलाई है वो, एक खाम खाई जिद कर रहे हैं, डर ठा लिया इसने, आए क्यों उठा लाई, वो भी लाया इसलिए उठा के लाए हैं, उसकी तो चल जाएगी है, तेरी ना चल है, चला के देख ले बेच सकते हैं, जीती हो तुम इतने है ना, ये भी अंदर नहीं लेके जानी पड़ेगी, नहीं क्या। चल पड़ी चले, कति नहीं सरकाया देख लिए उतर के चलाओगे उतर के चलाओगी है? हाँ इफ चल पड़ेगी, अच्छा गिरेगा तू देख लिए, इतनी जिद्दी बच्चे हैं भाई, कहती है वो मैं भूंदी तरी, हाय साइकिल दे दे, हाय साइकिल दे दे, देख हाँ देख चले भी है, प्लेन पे चलेंगी है, वहां अंदर चलेंगी। ये सुखाए थे कपड़े, कपड़े सूख गए हैं, ये घेर है हमारा, तो हम घेर में कपड़े सुखाया करें, तो इन्हें उतार लूंगी, धूप तो चली गई है। अरे न देख पागला ने, देखियो कती बुरा दिन मचावेंगे, मानते नहीं है, चोट खाओगे तुम और कुछ ना है। हाँ ले चलो ये बिन है, आ जा निका, आज बेटे आ जा, चलेंगे मैं कपड़े उतारू हूँ, भाई बच्चे ने कितना शौक हुआ है, मैं इसको मना कर रही हूँ रहन दे ना उतार कपड़े, पर नहीं मान नहीं रहे, आ रही न गेरेगा बेटा तू देख लिए, इन्हें गेरेगा रहन दे, बसी पे भर गया, छोटी तू भी लागी है, आ जाओ इब उतर के मैं उतार लूंगी खुद, जल्दी आ जाओ रेन, आज ले आई बिन,
यहाँ रख दे, कति नहीं मानते तुम, क्या होया? ये सारे कपड़े नीचे गिरेंगे, कितने मेहनती बच्चे हैं देख लो। और वो क्या दो गिलास पानी का लेने का कति नहीं लिया कर दे मैं, है ना? अब एक गिलास पानी का ला दे, ला दे यानी का पानी जुठो, जब मैं मंगाऊ जब तो नहीं लाते तुम, है ना? नहीं लाता ना, है ना? देखो गिर दिया, देख साइकिल भी तोड़ोगे इन साइकिल ने दोनों जने, लेते दे ना खराब करे इन बोले, मैं उतार लूंगी खुद, रहने दे। अरे आजा, छोटी चोट लगेगी, तू इसकी साइकिल ने गिर ला रही है झूठी। बड़े गंदे बच्चे तुम तो, उसने गिराया है, देख खुद सबूत है मेरे पास, तूने गिराई है। मैंने नहीं गिराई। चलो भाई उतार लेती हूँ मैं कपड़े, दो ही छोटे हैं ये, मैं उतार लेती हूँ। ये तो बच्चे बड़े गंदे हैं, मानते नहीं है, क्या होया? शौक इतना है काम करने का, पर एक गिलास पानी मंगवा लो बिल्कुल नहीं ला के देते, है ना नीका? आज फिर ये बन रही है मैगी। अब ये बच्चे स्कूल में से आते ही अनिका बोली कि मेरे को मैगी खानी है, तो इसलिए फिर उनके लिए अभी बना रही हूँ मैगी। सिंपल मैगी है, जो आटे वाली मैगी होती है ना, तो वो है ये वेज आटा नूडल्स मैगी, तो यही वाली लेके आए हैं इसके पापा, तो ये इसको बना के दे दूंगी मैं। फिर ये भी बोलने लगे करण भी और इसके पापा भी कि हमारे लिए भी बना ले, तो फिर इनके लिए भी बनाई है, तो इनको भी दे दूंगी अभी। तो बन रही है अच्छी अच्छी मैगी, तो आप सभी भी खा लीजिए। तो पहले पानी सिंपली बनाई है, पानी को गर्म किया है और जो मैगी मसाला था वो डाला है बस इसमें। तो ये देखिए कितनी अच्छे से गरम गरम मैगी। ओहो, सर्दियों में तो मैगी भी अच्छी लगती है, और पहाड़ों में जाते हैं ना, पहाड़ों में तो जाके और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। मैगी लो और कोल्ड ड्रिंक लो, बस मैगी और कोल्ड ड्रिंक। सोलो जोशी व्लॉग है ना, तो वो उनके व्लॉग में मैगी मैगी होती है और कुछ नहीं, तो अच्छा लगता है ऐसे। तो खाओ मैगी। तो ये बना दी भाई मैगी अच्छी अच्छी गरम गरम, खा लो आप सभी भी। लगा दी है प्लेटें, तो अच्छी लग रही है। देखो धुआं उठ रहा है। तो कैसे लगती है मैगी? धुआं उठ रहा है, अच्छी लग रही थी। कहते गाइस के बच्चे, तो ये देखो भाई, और है प्रेस का ढेर, इतने सारे कपड़े और रखे हैं बहुत ज्यादा ही, और ये यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, छोटा पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, पेपर हो गए इनके स्टार्ट अभी, और मैं करूंगी प्रेस कपड़ों पे। शाम का टाइम हो चुका है, ये देखो रात हो चुकी है, और अभी लगूंगी प्रेस पे, फिर बनाऊंगी रोटी। टाइम हुआ है 6:20, तो उसके बाद 7 बजे लगूंगी रोटी बनाने, तब तक मैं प्रेस कर लेती हूँ आधा घंटा, जितने भी कपड़े होंगे वो कर दूंगी, फिर उसके बाद फिर कल करूंगी प्रेस, फिर खाना पीना बनाएंगे, थोड़ा काम ऐसे ही हो जाएगा इसलिए। तो चलो ठीक है, लगती हूँ प्रेस करने में। तो भाई कपड़े धोए थे दिन में, तो प्रेस के बहुत ज़्यादा कपड़े हो रखे हैं, ढेर लगा पड़ा है, अब इनको प्रेस भी करना है। बिना प्रेस के कपड़े तो डाले नहीं जाते, क्योंकि आदत हो चुकी है इस वजह से। तो मैं सारे कपड़ों पे प्रेस कर दूंगी, और उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना, रोटी बनानी है शाम की रात की, तो इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटाना है। जितना काम अभी हो, जितने कपड़े प्रेस होंगे हो जाएंगे आधे घंटे तक, उतना मैं कर लूँगी। और सच तो भाई ये था आज का व्लॉग, तो बताना भी कमेंट करके आपको कैसा लगा, और आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है? और बने रहना आप मेरे भाई। देख 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 देख, देख। छोटी तरह आओ, ये देखो भाई अनिका की मुझे इतनी देर से ये रोए जा रही थी, अपने पापा की जिद कर रही थी, पापा मेरी वो बनाओ, मुझे बनाओ, मुझे बनाओ, ये देखो भाई इसके मुझे ईव तो पहला है। ये देखो।
सिला का ऊंचा है। अरे गदो यो कलर लगवा लिया सारा गंदो कड़ा मस्ताए हो तुम टिकते नहीं सारा दिन। एक यो बोला बोलू नाथ शरारती बच्चे, ये हमारे शरारती बच्चे आ रही हो, इसका पापा गया। भागो 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 भागो।